नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अनुबंध खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अनुबंध खेती, संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट खेती, इस प्रकार की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। और जैसा कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप हमें अनुबंध खेती की जानकारी बताएँ, तो आज का वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए अनुबंध खेती कैसे होती है, कौन कौन सी कंपनियां अनुबंध खेती करवाती हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो अंत तक वीडियो को देखें। और अगर आप नए किसान भाई हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो जाए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में खेती बाड़ी पूरी तरह से मौसम के भरोसे रहती है। अगर मौसम फसलों के अनुकूल हुआ तो किसानों को फ़ायदा, और अगर मौसम प्रतिकूल हुआ तो किसानों को नुकसान। खेती में कम आमदनी के चलते किसान परिवारों का रोज़गार के लिए शहरों की तरफ पलायन लगातार जारी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में प्रयासरत रही है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट खेती में को देश में बढ़ावा देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। इसमें भारत सरकार एक अधिनियम आदर्श कृषि उत्पाद एवं मवेशी संविदा कृषि तथा सेवाएं जो प्रोत्साहन और सुविधा है वो कानून 2018 मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 पारित कर चुके हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज जानते हैं अनुबंध खेती और संविदा खेती के बारे में। अनुबंध पर खेती का मतलब यह है कि किसान अपनी ज़मीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। अनुबंध पर खेती में किसान को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। देखिए किसान भाइयों, अगर आप अनुबंध खेती करते हैं तो आपका लागत जो लगनी है वो आपको नहीं लगानी है। इसमें कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध खेती करवा रहा है वो इसमें लागत लगाएगा। किसान द्वारा उगाई गई फसल को एक निश्चित समय पर तय दाम पर खरीदेगा। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि खाद, बीज, सिंचाई एवं मजदूरी सहित अन्य खर्चे जितने भी होते हैं वो सारा कॉन्ट्रैक्टर ही देता है। कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके अनुसार ही खेती करनी है आपको। फसल का जो दाम रहेगा, क्वालिटी रहेगी, मात्रा और डिलीवरी का समय क्या होगा, ये फसल को लगाने से पहले ही तय हो जाता है। अनुबंध खेती का मतलब यही होता है किसान भाइयों कि आप जब खेती करना शुरू कर रहे हैं तभी कॉन्ट्रैक्टर और किसान भाई दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में सब कुछ तय हो जाता है कि फसल का दाम क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगी, मात्रा कैसी रहेगी और डिलीवरी का समय या फसल जो डिलीवर करेंगे उसका समय क्या रहेगा, ये सब कुछ पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है। उस एग्रीमेंट होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट खेती की जाती है। अब देश के इन राज्यों में अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून लागू है ऑलरेडी पहले से। जैसे कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा तो गुजरात जो है उसमें पहले से ही ये चल रहा है। अब नया कानून आने के बाद तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां अनुबंध खेती पर कानून बन चुका है ऑलरेडी। गुजरात में भी बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अनुबंध खेती के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, इन सभी के किसानों में भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। देश में गन्ने, बागवानी फसल और आलू और अन्य कई फसलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है अभी। अब देखिए किसान भाइयों, इस अनुबंध खेती में आपको और कॉन्ट्रैक्टर को दोनों को ही फ़ायदा है। और वो फ़ायदा कैसे है ये आपको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अनुबंध खेती में जो निजी कंपनियाँ हैं वो बुआई के समय ही एग्रीमेंट कर लेगी। इससे किसान के अनुसार फसल का मूल्य पहले से ही निर्धारित हो जाएगा। अब किसानों को बाज़ार की अपेक्षा अधिक भाव मिल सकता है। जो कीमत रहेगी उसमें जो उतार चढ़ाव होता है और किसानों पर जोखिम रहता है कि यार हमने फसल तो लगा ली है लेकिन अब इसका भाव जब फसल पक जाएगी या उत्पादन अपना होगा तब भाव क्या मिलेगा, इस तरह का जोखिम नहीं रहेगा क्योंकि पहले से ही किसान ने एग्रीमेंट कर लिया है कि मुझे मेरी फसल इस भाव में बेचना है। अब जिस मूल्य पर एग्रीमेंट होता है उसी मूल्य पर कंपनियों को माल को ख़रीदना होता है। किसान को एक बड़ा बाज़ार मिल जाता है। बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर खेती का जो काम होता है वो बेहतर तरीके से हो पाता है।
और जिससे कि किसान को भी बहुत सारा कुछ सीखने का अवसर मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो क्रेता प्रतिष्ठान को लाभ होता है कि कृषि उत्पाद की जो उपलब्धता के विषय में अनिश्चितता नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है तो इसमें कंपनी को भी फायदा है, खरीदारों को लेन देन की लागत पर 5 से 10% तक बचत करने की मदद मिल जाती है। जो खरीदार होते हैं उनको भी 5 से 10% की बचत उनकी भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो भी उत्पाद होगा उसे इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। किसान भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैंने एग्रीमेंट भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, लेकिन अगर फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा? तो अगर फसल बर्बाद होती है तो भी आपका इंश्योरेंस कवर मिलता है उसमें। ठीक है किसान भाइयों, किसान और ठेकेदार के बीच का जो कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि किसान और कंपनी, इन दोनों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अगर आप अभी क्या होता है फसल उत्पादन करते हैं तो मंडियों में ले जाने के लिए भी कभी कभी बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी आपसे बिचौलिया उत्पादन आपका जो उपज होती है वो खरीद कर फिर आगे मंडी तक पहुँचाता है, तो इसमें आपको जो मुनाफा मिलना होता है वो पूरा नहीं मिल पाता है। ठीक है किसान भाई, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जिला, ब्लॉक या तालुका स्तर पर एक समिति अधिकारी नियुक्त होता है। प्रभारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेके का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन और उत्पादन के बाद गतिविधियों में अर्थव्यवस्था की तमाम गतिविधियों के से लाभ उठाने के लिए किसान उत्पादक संगठन FPO जिसे बोलते हैं और किसान उत्पादक कंपनियां FPC को बढ़ावा देना भी एक सरकार का संकल्प है। खरीदार किसान की भूमि पर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना का निर्माण नहीं कर सकता है। किसी भी कंपनी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो आपकी ज़मीन पर कोई भी स्थायी निर्माण नहीं कर सकता है, और किसान की जो भूमिगत अधिकार या भूमि के स्वामित्व का जो अधिकार है वो भी स्थानांतरित नहीं कर सकता है। किसान की भूमि है, किसान की ही भूमि रहती है, ना उस पर कंपनी कोई निर्माण कर सकती है और ना ही अपने नाम पर करवा सकती है। और इसमें समझौता तोड़ने पर जुर्माने लगाने व अन्य विवादों के समाधान के लिए एक सेटलमेंट अथॉरिटी का भी गठन ऑलरेडी किया जा कर रखा होता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में होता है, तो आपकी जो भूमि है वो भी पूरी तरह से सिक्योर है। ठीक है किसान भाइयों, अब जो खरीदार होता है उसको फीस और कमीशन का नहीं करना भुगतान। जैसे कि मान लीजिए, जैसा कि अभी बताया है कि जो खरीदार है उसको भी 5 से 10% की फीसदी उनका जो टैक्स होता है वो बच जाता है। बीच में जो उनको देना पड़ता है वो व्यय उनका नहीं होता है, और किसानों के हितों के साथ साथ कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये जो किस अनुबंध खेती है विवाद की स्थिति में निपटारे की व्यवस्था भी इसमें रखी गई है। विवादों को सुलझाने के लिए निचले स्तर पर एक विवाद निपटान तंत्र की व्यवस्था विकसित की गई है। राज्यों को अपनी सुविधा के अनुसार प्रावधानों में संशोधन की भी छूट दी गई है, लेकिन कानूनों में किसानों के जो हित हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। इस मसौदे में जहां किसानों के हितों पर बल दिया गया है वहीं कंपनियों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो जैसा कि बताया गया है कि जो किसान के हित हैं या जो आपके अधिकार हैं इसमें कोई समझौता नहीं है। मान लीजिए खेती आपकी है, भूमि आपकी है, तो वो आप ही की है, कंपनी का उतना अधिकार नहीं है, आपके हित में ही अधिकार रहेंगे। ठीक है किसान भाइयों, अब देश के किसानों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती या संविदा खेती कह लीजिए, इसका जो सौदा है वो ये मान लीजिए कि बहुत ही फायदे का सौदा है। भारत में 80% छोटे व सीमांत किसान हैं, उनके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है, लिहाजा जोत का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन उतना उनका नहीं हो पाता है और लागत ज़्यादा आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है किसान भाइयों, कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेने के बाद में उसी क्षेत्र में बड़े जैसे कि मान लीजिए कि 10 किसान हैं, 10 के पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है, तो वो 10 किसान मिलकर पूरे सभी किसानों की ज़मीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि किसानों के पास अच्छी गुणवत्ता के औजार भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। विस्तार सेवा हो गई या ग्रेडिंग हो गई, उपज की छटाई के लिए आसान जितने भी औजार है वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं, मशीन उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उत्पादकता और आय दोनों ही बढ़ जाते हैं। व्यवहार में अनुबंध की खेती के साथ किसान न केवल समृद्ध होगा बल्कि वो अपने भविष्य के बारे में भी सुरक्षित महसूस करने लगे।
क्योंकि किसान भाइयों ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। साथ ही साथ भविष्य में भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहतर उम्मीद के साथ की जाएगी। किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस हो सकती है अगर भविष्य में अगर इसका उपयोग में लाया जाए तो। ठीक है किसान भाई, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई अपने देश की जो कंपनियां हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं, जैसे कि ITC, गोदरेज, रिलायंस, मेट्रो, अडानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कारगिल, पेप्सिको, मैकेन, टाटा, महिंद्रा, DCM श्रीराम, पतंजलि और मास रीगले कंफेशनरी, इतनी सारी ये कंपनियां हैं किसान भाइयों, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है। अगर कोई भी किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहता है तो इन कंपनियों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, जैसे कि पतंजलि का खुद का अपना जो वेबसाइट है वहां पर भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर्बल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है। आप वहाँ जाके भी डायरेक्ट खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।